अदानी और हिंडनबर्ग के मामले में डिस्क्लोजर को लेकर सेबी पर भी कई सवाल उठे और नियमों में सख्ती की मांग उठी है। कंपनियों में जानकारियों को छिपाने और शेयरों में जोड़तोड़ को रोकने के लिए सेबी ने अब कुछ बड़े कदम उठाए हैं। इनमें सेबी के अंदर और लिस्टेड कंपनियों दोनों के लिए एक कड़ी प्रक्रिया को लागू कर दिया गया। अदानी मसले के बाद से सेबी लगातार लिस्टेड कंपनियों के लिए नियमों को कड़े बना रही है। अब खबर आ रही है कि लिस्टेड कंपनियों के लिए डिस्क्लोजर से जुड़े कुछ और बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। कंपनियों के लिए अब क्या नए डिस्क्लोजर करने जरूरी हो जाएंगे, ये पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में हम देने वाले हैं। इतना ही नहीं, सेबी ने अपने कामकाज को भी दुरुस्त करने और कड़ी निगरानी के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं। ये क्या मामला है, ये भी हम आपको आज इस रिपोर्ट में बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्लोजर से जुड़ी। तो खबर है कि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों को अपनी कारोबारी डील्स और अरेंजमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां आम लोगों के लिए डिस्क्लोज करनी होगी। इन्हें ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन देनी होगी जिनका असर इन कंपनियों के ऊपर पड़ सकता है। सेबी ने पिछले हफ्ते लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स यानी LODR नियमों को और सख्त बना दिया है। इसके साथ ही कंपनी को स्ट्रैटेजिक, टेक्निकल, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग समझौतों के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स का खुलासा अनिवार्य रूप से करना होगा ताकि कंपनियों के कामकाज और डिस्क्लोजर में ज्यादा पारदर्शिता आ सके। अब तक कंपनियों को इस बात की आज़ादी थी कि वे किस जानकारी को पब्लिक में लाने को अहम मानती हैं या नहीं। कई अहम डील्स और समझौतों का खुलासा कंपनियां आम लोगों के सामने नहीं भी करती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे शेयर होल्डर्स और दूसरे इन्वेस्टर्स को अब कंपनियों के किए जाने वाले सभी डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की जानकारी समय पर मिल पाएगी और इससे वे इन कंपनियों में पैसा लगाने संबंधित फैसले ले पाएंगे। हिंडनबर्ग मामले में अडानी पर डिस्क्लोजर को लेकर लगे आरोपों में सेबी पर भी सवाल उठाए गए थे कि उसके डिस्क्लोजर संबंधी नियमों में क्या बदलाव की जरूरत है, जिसके बाद से सेबी लगातार अपने नियमों और रेगुलेशंस को सख्त कर रहा है। मौजूदा बदलावों को भी इसी तर्ज पर देखा जा सकता है। सेबी लिस्टेड कंपनियों के लिए तो नियम सख्त कर ही रहा है, साथ ही अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को भी और पुख्ता कर रहा है और इसी वजह से उसने अपने अफसरों और स्टाफ्स को एक बड़ी हिदायत दे डाली है। ईटी की खबर के मुताबिक सेबी ने हाल में ही अपने अफसरों से कहा है कि वे बाहरी लोगों, यहां तक कि पुराने सहयोगियों के साथ भी किसी तरह की गोपनीय जानकारी साझा ना करें। सेबी ने कहा है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि गोपनीयता को तोड़ने के कदम के तौर पर देखी जाएगी। सेबी ने साफ कर दिया है कि इस नियम का उल्लंघन बेहद गंभीरता से लिया जाएगा और इसके चलते एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन के आधार पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। सेबी के एम्प्लॉय से कहा गया है कि वे आउटसाइडर्स और मीडिया के साथ बातचीत करते वक्त गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। एक तरह से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेबी अपने एम्प्लॉयज और अफसरों को सख्त निगरानी में रखना चाहती है ताकि उसके यहां से किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। शेयरों में जोड़तोड़ और दूसरी किसी भी गलत प्रैक्टिस को रोकने के लिए निश्चित तौर पर सेबी के ये कदम बड़े कारगर साबित हो सकते हैं और इन कदमों से इन्वेस्टर्स का बाजार पर भरोसा भी और मजबूत होने की उम्मीद है। प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही यूट्यूब पर ज्वाइन करें। बिज तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।